हरियाणा विधानसभा चुनाव जब से खत्म हुआ है तभी से कुमारी सैलजा गुट लगातार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हावी है। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि हुड्डा ने अपने बेटे को सेफ करने के लिए इस बार पार्टी की बलि दे दी। उन पर ये आरोप किसी और नहीं बल्कि हाल ही में पार्टी से सस्पेंड हुए बाल मुकुंद शर्मा ने लगाया है, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के समय से ही हुड्डा ने पार्टी के सारे कामों को दीपेंद्र हुड्डा को सौंपा हुआ था। इतना ही नहीं, शैलजा कहीं उनसे ज्यादा ताकतवर ना दिखे उसके लिए भी उन्होंने शैलजा के बजाय दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बना दिया था। इसके अलावा भी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हुड्डा अब जल्द ही हरियाणा कांग्रेस की कमान दीपेंद्र हुड्डा को देने की तैयारी में है। ऐसे में उन्होंने इस बार अपने हिसाब से और अपने ही नेताओं को टिकट दिया ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल बाल मुकुंद के आरोपों और राजनीतिक गलियारों में चल रही इन अटकलों में कितनी सच्चाई है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में हार से कांग्रेस हाईकमान हुड्डा परिवार से खासा नाराज है, जिसके चलते पार्टी अभी तक भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर हाईकमान ने जल्द ही इसका निपटारा नहीं किया तो कांग्रेस को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।